सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस लाल बटन पर क्लिक करें और नई अपडेट सबसे पहले देखने के लिए इस घंटी को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस ने पूरे देश में खलबली मचा रखी है। विश्व भर में कोरोना वायरस से खौफ के बीच हंता वायरस ने भी लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे चीन में हंता वायरस से हुई एक मौत के बाद वहां के लोगों में डर का माहौल है। पहले से ही कोरोना से चीन में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और इस बीच इस हंता वायरस से वहां के यूनान प्रांत में 23 मार्च को एक व्यक्ति की मौत के बाद लोगों को इसके महामारी बनने का डर सता रहा है। बात कुछ ऐसी है कि हंता वायरस से पीड़ित व्यक्ति काम करके साडोन प्रांत से बस से लौट रहा था। उसे हंता वायरस पॉजिटिव पाया गया था। उसकी मौत होने के बाद बस में सवार अन्य 32 लोगों की भी मेडिकल जांच की गई है। और इस बीच ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से खबर ये फैले जा रही है कि ये खतरनाक वायरस कोरोना वायरस की तरह ही बड़े स्तर पर फैल सकता है। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि क्या ये भी कोरोना वायरस की तरह पूरे देश में विस्तार कर पाएगा। तो मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं CSC नॉलेज बेस। आज की इस अपडेट में मैं आपको हंता वायरस से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ। तो बिना देर किए आज की इस अपडेट पर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सोशल मीडिया पर इस वायरस को लेकर काफ़ी डिबेट शुरू हो गई है और आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये वायरस भी कोरोना की तरह ही दुनिया भर में ना फैल जाए। सोशल मीडिया पर एक बात और चल रही है, लोगों का कहना है कि चीन के लोगों ने अगर जिंदा जानवरों को खाना बंद नहीं किया तो ऐसे वायरस पैदा होते रहेंगे। कोई ये भी कह रहा है कि यह वायरस चूहे खाने से फैला है, तो कोई कह रहा है चमगादड़ या सांप खाने से। लेकिन इस पर डॉक्टरों का कहना है कि हंता वायरस कोरोना वायरस की तरह घातक नहीं है, क्योंकि हंता वायरस हवा के रास्ते नहीं फैलता, बल्कि यह व्यक्ति के चूहे या गिलहरी के संपर्क में आने से फैलता है। हंता वायरस चूहों में होता है और इस वायरस के कारण चूहों में कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन इस वायरस के कारण इंसान की मौत हो जाती है। सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के मुताबिक चूहों के घर के अंदर और बाहर करने से हंता वायरस के संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है। इसके संक्रमण से जुड़ी एक बात और है, हंता वायरस का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है। ऐसे में इसके फैलने की संभावना कुछ हद तक कम हो जाती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति चूहों के मल, पेशाब या थूक के संपर्क में आने के बाद उन्हीं हाथों से अपना चेहरा, आँख, नाक, मुंह छूता है तो हंता वायरस से संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और वह हंता वायरस के संपर्क में आता है तो उसके संक्रमित होने का खतरा रहता है, चाहे वो कितना भी हेल्दी क्यों ना हो। और अब बात कर लेते हैं इसके लक्षण की। तो सबसे पहले हंता वायरस से संक्रमित होने पर व्यक्ति को बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, पेट में दर्द, उल्टी, डायरिया आदि हो सकता है। इन लक्षणों के इलाज में देरी होने की स्थिति में संक्रमित व्यक्ति के फेफड़े में पानी भर जाता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। चीन में व्यक्ति की मौत भी कुछ ऐसे ही लक्षणों के बाद हुई है। तो ये कुछ हद तक कोरोना वायरस से मेल खाता है, तो इससे भी बचने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि इसकी पुष्टि CDC ने भी की है। यानी सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक हंता वायरस भी जानलेवा है। इससे संक्रमित हो जाने पर लोगों की मौत का आंकड़ा 38% है, यानी हंता वायरस से संक्रमित होने वाले 100 लोगों में से 38 लोगों की मौत होने की संभावना रहती है। सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये वायरस अभी तक सिर्फ चीन और अर्जेंटीना में ही पाया गया है। चीन में भी फिलहाल इस वायरस से पहली मौत हुई है। चीन में जिस शख्स की मौत हुई उसे लोगों ने पहले कोरोना से पीड़ित समझा था। बाद में जब बॉडी को अस्पताल लाया गया तो जांच में पता चला कि उसे कोरोना नहीं, हंता वायरस था।
इसके बाद बस में सवार सभी 32 यात्रियों की जांच की गई। हालांकि इस मामले में फिलहाल बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन CDC के मुताबिक चूहों के मल मूत्र से दूर रहें तो इस वायरस का संक्रमण नहीं होगा। फिलहाल भारत में कोई इस पर खतरा नहीं है, तो फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आप इससे बच के रहें। जो भी प्रिवेंशन मैंने बताए हैं उसे ज़रूर अपनाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, आप अपने घर में ही रहें और कोरोना से बचें।